प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। मौसम विभाग ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया से बारिश का माहौल बन रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम, हरदा, खरगोन समेत 13 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के पास लो प्रेशर सिस्टम बनने के चलते मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा, रायसेन, सांची, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, शिवपुरी, दतिया, इसके अलावा प्रदेश के उत्तरी हिस्से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, निमाड़ी में भी गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना मौसम केंद्र की तरफ से जताई गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल दी है। शहर के कई वार्ड पानी से लबालब हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, घरों दुकानों में पानी भर गया है, जिससे घरों में रखा सारा सामान पानी में तैरते हुए नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। लोग घर से पानी निकालने के लिए पंप का सहारा लेने को मजबूर हैं। लगातार बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के कई इलाकों में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। मानसून के फिर से एक्टिव होने की वजह से जोधपुर में भारी बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में जल जमाव हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कुदरती आफत ऐसी आई है कि जोधपुर के कई घरों में भी पानी घुस गया है। राजस्थान के 17 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। विजयवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के काम में एनडीआरएफ को भी लगाया गया है। विजयवाड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन में नेवी को भी लगाया गया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश में चक्रवात की भी चेतावनी जारी की है। पलनाडु और एनटीआर जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। विशाखापट्टनम और गुंटूर में भी बादल जमकर बरसेंगे। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। आने जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी उफान पर है। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आसपास के इलाकों में भीषण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यूपी के बागपत में ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर सैलाब आ गया। तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, ऐसा लग रहा है मानो बादल फट गया हो। वही लखीमपुर खीरी में नदी के भयंकर रूप के आगे मकान ने सरेंडर कर दिया। कटान के बाद मकान भर भरा कर गिर गया। नदी किनारे बना मकान देखते ही देखते पानी में समा गया। उत्तराखंड के रामनगर में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोगों को जान हथेली पर लेकर नदी पार करनी पड़ रही है। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 पर स्थित बरसाती नाले उफान पर हैं और इन उफनते नालों से लोग जान हथेली पर लेकर गुजरने को मजबूर हैं। देश के राज्यों में मानसून की बारिश जारी है। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार और हरियाणा सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में भी बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, बिहार, लद्दाख, आंतरिक कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल और पश्चिम राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अक्टूबर महीने तक बारिश होने की संभावना जताई है। भारत में मानसून अक्सर 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार ला नीना की वजह से काफी लेट हो सकता है। इसका असर अक्टूबर के आखिरी में दक्षिण भारत में आने वाले उत्तर पूर्वी मानसून पर भी पड़ सकता है। सितंबर में मानसून की बारिश महीने के लिए सामान्य से 9% अधिक होने की उम्मीद है। टीम न्यूज स्टेट। सितंबर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी बारिश कई इलाकों को सराबोर कर रही है, तो कई जगह बाढ़ के चंगुल में आ चुके हैं। गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे इलाके तो बाढ़ की मार झेल ही रहे हैं। यूपी में भी कई जिलों में बारिश ने